राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की सदस्य नीना नायक ने चर्चा कर आयोग के कार्यकलापों की जानकारी ली। और गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वैशाली नगर में पार्क के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। नमस्कार, एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिवपुरी और श्योपुर जिले में 124 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे, विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नीना नायक ने आज यहां राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी से भेंट की। उषा चतुर्वेदी ने आयोग कार्यालय में पुष्पगुच्छ भेंट कर नायक का स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आयोग के सदस्य विभांशु जोशी, विजय शुक्ला, आर एच लता और आयोग के सदस्य सचिव रजनी उइके उपस्थित थे। गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने वैशाली नगर में पार्क के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। पार्क के विकास के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पार्क की फेंसिंग, समतलीकरण और पाथवे के निर्माण के साथ उसमें बेंच रखवाई जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि गत 9 वर्षों में प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदली है। उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि आने वाले 2 वर्ष में प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस होगा। इस मौके पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किए। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में आम शहरी की भलाई के लिए राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। नगरीय निकायों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भरपूर राशि उपलब्ध करवाई गई है। बाबूलाल गौर आज देवास जिले के नगर पंचायत पीपल रावा में 22 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे थे। कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र वर्मा भी मौजूद थे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने कहा है कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी इंदिरा सागर परियोजना जलाशय को पूरा भरने का विरोध कतिपय तत्वों द्वारा ग्रामीणों को भ्रमित करने का परिणाम है और ये पूरी तरह औचित्यहीन है। प्राधिकरण ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि जलाशय के पूर्ण जल स्तर से प्रभावित होने वाले परिवारों को उनकी अचल संपत्ति के मुआवजे और अन्य पुनर्वास लाभ वर्ष 2009 के पूर्व प्रदान किए जा चुके हैं। इसी आधार पर राज्य शासन, शिकायत निवारण प्राधिकरण और केंद्रीय जल आयोग द्वारा विचार विमर्श के बाद इंदिरा सागर जलाशय को पूर्ण जलाशय स्तर भरने का निर्णय लिया गया है। और गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने चूना भट्टी स्थित जानकी नगर में सीमेंट कंक्रीट रोड का भूमि पूजन किया। सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सड़क का निर्माण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रहवासियों को विकास कार्यों के लिए जन भागीदारी भी करना चाहिए। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए ईएमएस के साथ। नमस्कार।